Everybody, this is Dr. Hina Dawar and I hope you all are fine and studying very hard because बहुत ही जल्द आपके एडमिट कार्ड्स भी रिलीज हो जाएंगे जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं. तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, वो ये है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PM श्री स्कूल्स. जी हाँ, जो अभी 2 डे कॉन्फ्रेंस हुआ था नेशनल एजुकेशन पर इन गुजरात, वहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनाउंस किया है अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द PM श्री स्कूल्स, जो कि अब ऑलमोस्ट हर यूनियन टेरेटरी या हर स्टेट में ओपन किए जाएंगे. ये जो स्कूल्स होंगे, दीज विल सर्व एज अ लेबोरेटरी फॉर NEP 2020, यानी कि पूरा NEP 2020 की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा. एंड यहाँ के मेन कोर एरियाज रहेंगे कि हमारे यूथ, हमारे यंग जनरेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए विश्व मनस में. विश्व मनस मीन्स ग्लोबल सिटीजन्स. ग्लोबल सिटीजन्स यानी कि जिनके पास है टेक्नोलॉजी की स्किल्स, दे हैव गुड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. कोडिंग का आपको पता ही है कि अब इंक्लूड कर दिया जाएगा. विश मानस फोकस रहेगा हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर, एडल्ट एजुकेशन पर, टीचर ट्रेनिंग पर, नॉलेज एनहांसमेंट पर यूजिंग प्रैक्टिकल अप्रोचेस एंड स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट यानी कि प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर टू बिकम अ बेटर ग्लोबल सिटीजन्स. एंड इसलिए स्किल डेवलपमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो कहा गया है कॉन्फ्रेंस में भी, कि बेटर ई कंटेंट बनाया जाए स्टूडेंट्स के लिए. बिकॉज आप देख रहे हैं, वो ऑनलाइन के बिना तो क्लासेस थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाएंगी. सो येस, द फोकस इज कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आ रहा है उसमें खास तौर पर एम्फोसिस दिया जाएगा प्रिपेयरिंग ऑफ अ बेटर क्वालिटेटिव ई कॉन्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.